कुणाल, गुड आफ्टरनून। आपसे ही शुरुआत करेंगे इस वक्त। फिर ट्रेडिंग पिक्स, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पर हैं, आप बताएं। आई थिंक जैसे कि हमने कहा कि हमारा व्यू बेरिश है, करंट लेवल्स है, सो काफी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन भी बन रही है। सो मेरा जो पिक रहेगा वो है इंडसइंड टावर। इंडसइंड टावर अगर आप देखोगे, स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है करंट लेवल से भी। स्टॉक ने काफी टाइम से एक साइडवेज का कंसोलिडेशन दिया था और आज स्टॉक ने एक वापस ब्रेकडाउन कंटिन्यू किया है। सो करंट लेवल्स पे भी इंडसइंड टावर आप सेल कर सकते हो। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड पे। डाउन साइड पे मैं 188 to 185 के टारगेट देख रहा हूँ। जिस हिसाब से स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, RSI उसका एक सेलिंग की टेरिटरी में आ चुका है। सो आई थिंक ये सेलिंग प्रेशर और भी कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम्स बिल्टअप स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं सेलिंग साइड पे। सो वीकनेस परसिस्ट रहेगी। आप करंट लेवल्स पे सेल करके 188 185 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब पिक्स रही हैं। इंडस टावर पर वो सेल की सलाह दे रहे हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं। कुणाल, रुचित से भी समझ लेते हैं कि रुचित इस वक्त क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। रुचित, आप तो बियरिश साइड हैं, तो क्या आपकी सेल कॉल ज्यादा हैं या फिर सेल कॉल्स ही हैं सिर्फ? आई थिंक यस मेजरली तो शॉर्ट साइड के लिए देख रहे, क्योंकि ट्रेंड साइड ही रहना ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेक्टर है आई थिंक यहाँ पे जो और करेक्शन की अभी शायद जस्ट नो एक अच्छे करेक्शन हम देख सकते हैं वो है मेटल्स, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, यूजुअली राइजिंग डॉलर इंडेक्स मेटल कंपनीज के लिए मेटल्स के लिए और मेटल स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से होल्ड किया है, तो प्रोबेबिलिटी के है अभी यहाँ पे, और वो सपोर्ट अभी ब्रेकडाउन के वर्ज पर है। तो आई थिंक अगर एक बार ये 20 EMA का सपोर्ट अगर यहाँ पे आज उसके नीचे क्लोज दे दिया, तो आने वाले हफ्ते में हमको मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिल सकती है। तो हिंडाल्को विद इन द मेटल स्पेस फिलहाल तो वीकेस्ट है बाकी सारे स्टॉक्स के कंपेरेटिव में, तो यहाँ पे थोड़े से पुल बैक मूव पे 400 के आसपास अगर मिलता है फिर से, तो 400 403 ये रेंज में शॉर्ट करें, 418 के स्टॉप लॉस रखे, 372 के टारगेट्स रहेंगे। और ज्यादा एग्रेसिवनेस शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़े से सेल ऑन राइज की रणनीति दूंगा, क्योंकि मार्केट में भी थोड़े मोमेंटम रीडिंग्स, ऑल्दो ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मोमेंटम रीडिंग्स नियर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरसोल्ड की तरफ जा चुके हैं। तो मे बी आज या फिर आज लास्ट आधे घंटे में या फिर मंडे को अगर एक पुल बैक मूव दिखता है मार्केट में, तो वो पुल बैक मूव में ज्यादा बेटर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त इंडेक्स पर तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बन रही है, पुल बैक मूव्स में यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए इंडस टावर पर कुणाल, और वहीं हिंडाल्को में भी यहाँ पर 397 के लेवल्स पर 4% की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। गिरावट पर सारी सेल कॉल्स आ जाए, 300 पॉइंट की अच्छी खासी शुद्ध गिरावट आपको निफ्टी में नजर आ रही है, कोई अटेम्प्ट नहीं है रिबाउंड का। ये सबसे बड़ा साइन होता है कितना कमजोर हो गया है बाजार आज के फॉल में। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए डॉक्टर साहब, वहां मालूम चलेगा कि कुछ रिबाउंड अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो वाले आ जाते हैं, डिलीवरी बेस्ड HNI इन्वेस्टर वर्ग आ जाता है और अपनी पोर्टफोलियो लेके आएंगे आप डॉक्टर साहब। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का इंट्राडे वहां तो चले मालूम कि कुछ इंट्राडे रिकवरी, जी नहीं, वहां पर भी कोई रिकवरी नहीं, 1000 पॉइंट की बढ़िया फॉल। आज का जो बाजार है वो क्लियरली बेयर्स की ग्रिप में, लेकिन एक स्टेप